बॉलीवुड की इस दुनिया में बहुत से ऐसे सितारे हैं जो रातों रात चमकते हुए आते हैं सामने, यानी कि हर किसी के फेवरेट बन जाते हैं। जैसे कि आप ले ही लीजिए अनन्या पांडे, सारा खान, कार्तिक आर्यन, जानवी कपूर और ऐसे ही बहुत सारे नाम हैं। विक्की कौशल का भी नाम जुड़ जाता है। लेकिन काफी बार ऐसा होता है कि कुछ सेलिब्रिटीज रातों रात छा तो जाते हैं, सालों सालों तक एंटरटेन भी करते रहते हैं, लेकिन उनकी एक छोटी सी गलती उनके करियर को बर्बाद करती हुई सामने आती है। आज आप सभी को हम बताने वाले हैं कि बॉलीवुड के ऐसे कौन से सितारे रहे हैं जो अपने करियर को खुद खराब करते हुए दिखाई दिए, जिसमें आता है अमीषा पटेल का नाम सामने। भाई सबसे पहले अमीषा का नाम हम क्यों ले रहे हैं, पहले आपको ये बता देते हैं। दरअसल अमीषा पटेल आप सभी को नजर आने वाली है अब बिग बॉस सीजन 13 में। काफी लंबे अरसे बाद वो एक बड़ी स्क्रीन पर नजर आने वाली है एंटरटेन करने के लिए सभी को। इसमें लगाती हुई नजर आएगी अमीषा पटेल, बहुत ही जबरदस्त तड़का एंटरटेनमेंट का। बात की जाए अब अमीषा के करियर खराब होने की, तो उन्होंने बहुत सी फिल्मों में काम किया, शुरुआत से ही काफी ज्यादा वो छाई रही, अवार्ड भी अपने नाम करवा रही थी, लेकिन अपने एक फैमिली इशू की वजह से वो पुलिस केस में इस तरह से फंस गई कि वो अपनी फिल्मों पर ध्यान नहीं दे पाई और उनका करियर बर्बाद हुआ। तो वही विक्रम भट्ट के साथ उनके लव रिलेशन भी उन्हें काफी ज्यादा मुसीबत में लेकर आए थे। धीरे धीरे अपनी प्रॉब्लम्स में इतना फंसने लगी थी अमीषा पटेल कि वो अपने करियर पर ध्यान दे नहीं पाई और उनके हाथ से सभी की सभी फिल्में निकलती चली गई और उन्हें टेक ओवर करने लगी बॉलीवुड की बाकी सभी अदाकाराएं, और अमीषा को फिर उसके बाद काम नहीं मिल पाया। जिसके बाद अमीषा पार्टी करती हुई ज्यादातर दिखाई देती, तो वही नजर आती वो नशे की हालत में भी। आज एक ऐसा आलम आ चुका है जहां अमीषा पटेल सिर्फ और सिर्फ लाइमलाइट में रहने की कोशिश करती है, कुछ गलत हरकतों को करती हुई भी नजर आ जाती है और ऐसे में वायरल करवाती है खुद ही अमीषा पटेल अपने आप को लेकर बहुत सी गलत खबरें भी। अब आता है दूसरा नाम सामने इस लिस्ट में, विवेक ओब्रॉय का। लेकिन इसकी शुरुआत करने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे मीशो ऐप के बारे में, जिससे आप घर बैठे आसानी से पैसा कमा सकते हैं। मीशो ऐप घर बैठे कमाई का एक काफी अच्छा जरिया है। इसे डाउनलोड करने का लिंक आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पा सकते हैं। बता दें कि इस ऐप पर दिए गए जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, आप उन्हें किसी भी सोशल नेटवर्किंग साइट के जरिए अपने जानकारों तक शेयर कर सकते हैं। उन जानकारों में से कोई भी दिलचस्पी अगर उन प्रोडक्ट्स को खरीदने में रखता है, तो आप उनका एड्रेस लेके अपने ही ऐप के जरिए उन्हें कर सकते हैं डिलीवर उन्हें ऑर्डर। लेकिन इसके जरिए आप कैसा पैसा कमा सकते हैं ये आपको बताते हैं। उस प्रोडक्ट को अपने कार्ट में रख कर आप उस प्रोडक्ट का ओरिजिनल प्राइस कर सकते हैं चेंज। जैसे कि प्रोडक्ट का प्राइस है 800, तो आप उसे चेंज कर सकते हैं 900 में, और ऐसे में आपकी सीधे तौर पर कमाई हो जाती है 100 रुपए। और इस सिंपल से प्रोसीजर के साथ आप कर सकते हैं ढेर सारी कमाई। विवेक ओब्रॉय को तो आप बहुत ही अच्छे से जानते हैं कि उन्होंने अपने करियर को किस तरह से खराब कर दिया। सलमान खान से पंगा लेकर जहां ऐश्वर्या को वो हद से ज्यादा सपोर्ट कर रहे थे और सलमान के खिलाफ जाते जा रहे थे, मीडिया में उनको लेकर बहुत सी बातें बोल रहे थे, जिसके बाद से ही विवेक ओब्रॉय को बॉलीवुड में फिल्म मिलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया था। आज का वक्त एक ऐसा है जहां उनकी एक्टिंग को पसंद भी किया जाता है, लेकिन फिर भी अपनी पुरानी बातों को दोहरा के अपने करियर को वो बर्बाद कर ही देते हैं। तीसरा नाम आता है इस लिस्ट में कंगना रनौत का। कंगना रनौत एक बहुत ही खूबसूरत अदाकारा है और ऐसे में उनकी एक्टिंग बहुत ही ज्यादा खास है। कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा कि अभी तक में बॉलीवुड इंडस्ट्री की बेस्ट एक्ट्रेस के तौर पर कंगना का नाम लिया जा सकता है। लेकिन कंगना रनौत के बोल्ड अंदाज हर किसी को पसंद नहीं आते हैं। वो दो टूका जवाब देना बहुत ही बखूबी जानती है और ऐसे में वो कुछ ऐसी भाषा का इस्तेमाल भी कर देती है जो पसंद कोई भी नहीं करता और सरेआम किसी की भी क्लास लगा देती है, जिस वजह से कंगना के बहुत सारे झगड़े हो चुके हैं और बहुत बार मीडिया उन्हें बॉयकॉट करता हुआ भी आया है सामने। अब आता है चौथा नाम इस लिस्ट के अंदर करिश्मा कपूर का। करिश्मा कपूर अपने करियर में बहुत ज्यादा खास तौर पर आगे चल रही थी, लगातार फिल्में करती हुई सामने आ रही थी, वो इस दौर की बेस्ट एक्ट्रेस के तौर पर भी शामिल हुआ करती थी। लेकिन बता दें कि फिर एक ऐसा वक्त आया जब करिश्मा ने सोचा कि शादी करने का वक्त आ चुका है। उनकी शादी पहले होने वाली थी अभिषेक बच्चन के साथ, लेकिन शादी टल गई, जिस वजह से उनकी शादी हुई दिल्ली के बिजनेसमैन संजय कपूर के साथ। और उनकी शादी का ये फैसला उनकी जिंदगी का सबसे बुरा फैसला रहा, क्योंकि उनकी शादी तो बिल्कुल ही बर्बाद निकली, तो वही शादी की वजह से उनका बॉलीवुड करियर भी बिल्कुल बर्बाद हो गया था, जहां आज के वक्त में वो कोई काम करती हुई नजर नहीं आ रही।
रही हैं, सिर्फ अपने परिवार वालों को संभाल रही हैं और कर रही हैं खूब सारी पार्टीज। और अब आखिरी नाम आता है इस लिस्ट में हनी सिंह का। जी हाँ, यो हनी सिंह, जिन्होंने अपने रैप से हर किसी को बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस किया। बॉलीवुड इंडस्ट्री, पंजाबी इंडस्ट्री और म्यूजिक एल्बम्स के स्टार बन चुके थे हनी सिंह। लेकिन कहते हैं ना कि दौलत चौहरत हर किसी को इतना रास नहीं आती है, सर पर चढ़कर बोलने लगती है। हनी सिंह के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। वो नशे की हालत में इस हद तक डूब चुके थे कि अगर उनके सामने कोई आता था तो वो घबरा जाते थे और ऐसा लगता था उन्हें कि कोई उन्हें आकर मार देगा। बहुत महीनों तक अकेले कमरे में रहे हनी सिंह और उसके बाद उनका जब ट्रीटमेंट हुआ तो बहुत साल बीत गए, लेकिन अब आखिरकार सामने आ चुके हैं हनी सिंह एक बार फिर से आप सभी को एंटरटेन करने के लिए। दोस्तों, घर बैठे ढेरों पैसा कमाने के लिए आप मीशो ऐप को डाउनलोड करना बिल्कुल भी ना भूलिए, जिसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वेल, क्या ख्याल है आपका इस रिपोर्ट को लेकर, कमेंट करके जरूर बताएगा और इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब के बिना बिल्कुल ना जाएं।